अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हसन फारूक। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो गाइस, आज का टॉपिक है ज़ेब्रा फिंच की बेसिक जेनेटिक्स। ज़ेब्रा फिंच की बेसिक जेनेटिक तीन हैं, जिनमें रिसेसिव, डोमिनेंट एंड सेक्स लिंक। इन सबको डिस्कस करने से पहले हम लोग म्यूटेशन की डेफिनेशन समझ लें, क्योंकि बहुत सारे लोग म्यूटेशन और इसके कॉम्बिनेशन में थोड़ी कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। लाइक कॉम्बिनेशन इज एक्चुअली सम अप ऑफ डिफरेंट म्यूटेशंस। सो व्हाट इज एक्चुअली म्यूटेशन? म्यूटेशन डीएनए सीक्वेंस में चेंज आने से बनती हैं। उसके पीछे कोई भी रीजन हो सकती है, चाहे वो जेनेटिक सॉरी नेचुरली या साइंटिफिकली उसकी सीक्वेंस चेंज की गई हो। वैसे तो ज़ेब्रा फिंच की बहुत सारी म्यूटेशंस हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है रिसेसिव म्यूटेशन ऑफ ज़ेब्रा फिंच। सो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे रिसेसिव म्यूटेशन और उनके ट्रेड्स, कि ये किस तरह की कंडीशन में किस तरह अपने जो ट्रेड्स शो करती है। ज़ेब्रा फिंच की जो रिसेसिव म्यूटेशन है, जो फेमस म्यूटेशन है, वो 8 है। बाकी न्यू भी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, बट वो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है। सो हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे 8 फेमस जो रिसेसिव म्यूटेशन हैं, उनमें ब्लैक चीक, ब्लैक ब्रेस्टेड, एजाबेल, येलो बीक, ऑरेंज ब्रेस्टेड, चारकोल, यूमो एंड पाइड। इन 8 जो रिसेसिव म्यूटेशंस हैं, इनको आपने अच्छी तरह से ज़ेहन नशीन कर लेना है, ताकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद होंगी। लाइक अगर आप कोई कम्बिनेशन बनाने के लिए सोचते हैं, तो आपको पता हो कि आपके पास जो मौजूदा बर्ड है उसके ट्रेट्स, ये जेनेटिक ट्रेट्स एक्चुअली क्या है, वो रिसेसिव है, डोमिनेंट है या सेक्स लिंक्ड है। सो रिसेसिव जो है आपको ज़बानी याद होने चाहिए, ताकि आपको पता हो कि रिजल्ट में, पेयरिंग के रिजल्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज आने के चांसेस होते हैं। कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक, यहाँ पे हम लोग 5 कंडीशन जो के डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज जब आपके पास दोनों जेंडर आपके सेम है। फॉर एग्जांपल हम लोग रिसेसिव में से ब्लैक चीक को ले लेते हैं, कि दोनों ब्लैक चीक जेंडर हैं। और सेकंड कंडीशन, अगर आपके पास सिंगल पीस ब्लैक चीक है और उसको हम लोग नॉर्मल ग्रे से पेयर अप करते हैं। यहाँ पे नॉर्मल ग्रे इसलिए यूज़ किया जा रहा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने और कोई रिसेसिव म्यूटेशन अभी यूज़ नहीं की इसके ऑपोजिट। थर्ड कंडीशन है जब आपका एक पार्टनर तो ब्लैक चीक विजुअली हो, जबकि अदर पार्टनर हिडन फॉर्म में हो, नॉर्मल ग्रे के अंदर हिडन फॉर्म में हो सेम म्यूटेशन का। फोर्थ कंडीशन है जब दोनों पार्टनर ही हिडन फॉर्म में हो सेम म्यूटेशन के। फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्लैक चीक दोनों हिडन फॉर्म है। फिफ्थ कंडीशन जो कि सेकंड पे इसलिए नहीं मैंने रखी ताकि इसको लास्ट पे लेके आऊं, यहाँ पर दोनों म्यूटेशन रिसेसिव हैं बट लेकिन दोनों म्यूटेशन चेंज हैं। ब्लैक चीक एक साइड पे, अदर साइड पे पेंगन भी रिसेसिव म्यूटेशन है। इन दोनों के क्रॉस से क्या पॉसिबिलिटीज होंगी दोनों रिसेसिव टू रिसेसिव को आपस में पेयर करने से? ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट। रिसेसिव म्यूटेशन को एक्सप्रेस होने के लिए चिक्स के अंदर दोनों पेरेंट्स का विजुअली या एट लीस्ट स्प्लिट फॉर्म में प्रेजेंस होना जरूरी है। अपनी ही लिस्ट में से हम लोग एक ब्लैक चीक को फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। ब्लैक चीक जो कि रिसेसिव म्यूटेशन है बाय इट्स ट्रेट। अगर हम लोग दोनों जेंडर विजुअली ब्लैक चीक लेते हैं, तो इसके रिजल्ट में हमें सब के सब जो चीक्स आएंगे वो ब्लैक चीक आएंगे।
और सब जेंडर आएंगे, मेल भी ब्लैक चीक को आएंगे और फीमेल भी ब्लैक चीक आएंगे। वेल इन केस इफ यू हैव ओनली वन पीस ऑफ ब्लैक चीक म्यूटेशन, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ब्लैक चीक का एक सिंगल पीस है और अगर आप चाहते हैं कि इसके नंबर ज्यादा हों, तो व्हाट इज द वे, इसको क्या तरीका है इसको ज्यादा करने का। इसके लिए आपको लेट्स सपोज आप इसको नॉर्मल ग्रे से पेयर अप करते हैं, जैसा कि आप लोगों को मैंने ऊपर बता दिया है कि रिसेसिव म्यूटेशन को एक्सप्रेस होने के लिए पेरेंट्स शुड बी सेम, दोनों पेरेंट्स यूजुअली ब्लैक चीक होंगे तो ब्लैक चीक चीक्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है हमें फेस करना पड़ रही है, क्योंकि हमारे पास एक ब्लैक चीक पीस है तो हम लोगों को उसको नॉर्मल ग्रे से पेयर करना पड़ रहा है। नॉर्मल ग्रे एक्चुअली वाइल्ड बर्ड जो कि डोमिनेंट जीन है, तो इसके रिजल्ट में जेंडर कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ब्लैक चीक फीमेल है और आप नॉर्मल ग्रे मेल यूज करते हैं, या आपके पास ब्लैक चीक मेल है तो आप फीमेल नॉर्मल ग्रे यूज करते हैं, तो दोनों सिचुएशंस में आपको फर्स्ट जनरेशन के अंदर सबके सब बर्ड विजुअली नॉर्मल ग्रे मिलेंगे, लेकिन इन हिडन फॉर्म या स्प्लिट फॉर्म या स्प्लिट टू वो ब्लैक चीक के स्प्लिट होंगे इन हिडन फॉर्म। स्प्लिट या कैरियर बर्ड को जो शो किया जाता है स्लैश के साथ, इस टर्म को शो किया जाता है। और स्प्लिट वाले बर्ड लाइक अगर बीसी कैपिटल यूज कर रहे हैं आप, तो स्लैश के बाद स्मॉलर जो के आपने यूज करने हैं बी एंड सी। ओके, व्हाट इफ यू पेयर, अगर आप उस नॉर्मल ग्रे जो कि ब्लैक चीक का स्प्लिट है, कोई भी जेंडर जो आप वहां से पिक करते हैं, तो उसको जब आप ब्लैक चीक म्यूटेशन से पेयर अप करते हैं, मतलब एक साइड पे विजुअली ब्लैक चीक और एक साइड पे स्प्लिट फॉर्म में बर्ड है, इन दैट रिजल्ट इसके रिजल्ट में आपको दो पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। कुछ बर्ड जो के विजुअली ब्लैक चीक होंगे और कुछ बर्ड नॉर्मल ग्रे लेकिन स्प्लिट टू दी ब्लैक चीक होंगे। इसमें पॉसिबिलिटीज ब्लैक चीक के आने की ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि बहुत साइड पे, एक साइड पे तो विजुअली ब्लैक चीक है और अदर साइड में स्प्लिट फॉर्म में है, तो ब्लैक चीक की पॉसिबिलिटीज नॉर्मल ग्रे आने से ज्यादा होंगी कंपेरेटिवली। ओके, लेट्स सपोज आपके पास, आपको कंफर्म है कि आपका जो नॉर्मल ग्रे जो कि ब्लैक चीक स्प्लिट है, दोनों पार्टनर नॉर्मल ग्रे ब्लैक चीक स्प्लिट के अगर आप लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पर रिसेसिव जीन कैसे वर्क करता है। इन दैट रिजल्ट अगेन यू विल गेट नॉर्मल ग्रे विजुअली, बट दे ऑल वुड बी स्प्लिट फॉर ब्लैक चीक, वो सब के सब नॉर्मल ग्रे ब्लैक चीक के स्प्लिट होंगे, और कुछ बर्ड जो कि विजुअली ब्लैक चीक आएंगे, लेकिन नॉर्मल ग्रे बर्ड्स की आने की जो परसेंटेज ज्यादा होगी बनिस्बत ब्लैक चीक म्यूटेशन के, क्योंकि दोनों साइड पे विजुअली नॉर्मल ग्रे है। दूसरा केस, फॉर एग्जांपल आप दो डिफरेंट रिसेसिव म्यूटेशंस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक साइड पे ब्लैक चीक म्यूटेशन ले लेते हैं जबकि इसका ऑपोजिट पार्टनर आप पेंगुइन ले लेते हैं। पेंगुइन भी रिसेसिव जीन है, ब्लैक चीक भी रिसेसिव जीन है, लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं लाइक अब ये दो डिफरेंट कलर को पेयर अप कर दिया है, इन दैट रिजल्ट
उनको या तो सेम रिजल्ट मिलेंगे कि दोनों रिसेसिव के बारे में कहा गया था कि दोनों रिसेसिव होने चाहिए। तो एक्चुअली मैं जो कहा है कि रिसेसिव पेरेंट्स शुड बी सेम म्यूटेटेड, म्यूटेशन सेम होनी चाहिए, विजुअली पेरेंट्स दोनों सेम होने चाहिए तो होगा। यहाँ पे रिसेसिव जीन, ये जो अब केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे रिसेसिव तो हैं दोनों म्यूटेशंस, लेकिन म्यूटेशन डिफरेंट हैं। एक साइड पे ब्लैक चिक है, एक साइड पे पेंगुइन है। जेंडर आप कोई भी यूज करते हैं, इन दैट रिजल्ट यू विल गेट ऑल बर्ड नॉर्मल ग्रे, सब के सब बर्ड इस नतीजे में नॉर्मल ग्रे होंगे, लेकिन सब के सब बर्ड ब्लैक चिक और पेंगुइन के स्प्लिट होंगे इन हिडन फॉर्म, ओके, क्योंकि पेरेंट्स विजुअली डिफरेंट हैं। ओके, लेट्स सपोज आप इस नॉर्मल ग्रे जो कि ब्लैक चीक और पेंगुइन का स्प्लिट है, इसको आप पेंगुइन के साथ पेयर करते हैं। जेंडर कोई भी हो, लाइक अगर आप पेंगुइन फीमेल है तो नॉर्मल ग्रे मेल यूज होगा जो कि ब्लैक चीक और पेंगुइन का स्प्लिट होगा, वाइस वर्सा। तो इसके रिजल्ट में हमें जो पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, नॉर्मल ग्रे ग्रे के दोनों जेंडर जो कि पेंगुइन और ब्लैक चीक के स्प्लिट होंगे, और या पेंगुइन जो बर्ड आएंगे विजुअली वो ब्लैक चीक के स्प्लिट होंगे, और जो नॉर्मल ग्रे कुछ बर्ड आएंगे वो ब्लैक चीक के स्प्लिट होंगे, कुछ पेंगुइन विजुअली जो आएंगे वो इन दोनों में से किसी के भी स्प्लिट नहीं होंगे, और कुछ नॉर्मल ग्रे जस्ट पेंगुइन के स्प्लिट होंगे। तो जो जो पॉसिबिलिटीज हैं मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। सो गाइस, होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह रिसेसिव जीन अपने ट्रेट्स को कौन सी कंडीशन में किस तरह शो करता है। जैसा कि हमने ब्लैक चीक को एज ए एग्जाम्पल लिया रिसेसिव जीन को समझने के लिए, तो इसी तरह इसकी जगह अगर आप कोई भी रिसेसिव जो म्यूटेशन यूज करते हैं जो हमारी लिस्ट में दी गई हैं, तो सब पे सेम फार्मूलेशन अप्लाई होती है। तो इसके बावजूद अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन हो, आप फ्रेंकली कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरे जो फेसबुक अकाउंट है उसमें आप मैसेज करके वहाँ से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को अपने कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।